हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है काउंटडाउन। ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुई थी और ये एक हॉरर मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग है 4.5 out of 10 और इसके डायरेक्टर हैं जस्टिन डेक। ये मूवी एक ओल्ड फोकलोर पर बेस्ड है। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर एक कॉर्टनी नाम की लड़की कि अपने फ्रेंड्स के कहने पर एक काउंटडाउन नाम का ऐप इंस्टॉल करती है। इस ऐप में बेसिकली उनकी लाइफ स्पैन दिखाई जाती है कि उनकी लाइफ अब कितनी बची हुई है। सबके फ़ोन पर उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी दिखाई जा रही थी लेकिन कॉर्टनी के पास सिर्फ 3 घंटे बचे हुए थे। वो डर के मारे अपने ड्रंक BF के साथ कार में जाने से मना कर देती है और पैदल ही घर जाती है। और उसे रास्ते में ऐसा लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और बार बार दिख रहा है। तभी जब वो घर पहुंचती है उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है कि उसने यूज़र एग्रीमेंट तोड़ दिया है। तभी हम देखते हैं कि एक अनसीन एंटिटी आकर उसे मार देती है और जैसे ही वो मर जाती है उसके फ़ोन में टाइमर भी 0 हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवैन की कार क्रैश हो चुकी थी और एक ब्रांच ठीक उसी जगह पर घुस गई थी उसकी कार में जहाँ पर कॉर्टनी को बैठना था, मतलब कॉर्टनी का मरना डिसाइडेड था। अब हमें एक ट्रेनी नर्स को दिखाया जाता है हॉस्पिटल में जिसका नाम था क्विन हैरिस, जहाँ पर इवैन ट्रीटमेंट के लिए आया था। क्विन को डॉक्टर सेल्विन हैरिस करता था, वो वहाँ की फुल टाइम नर्स थी। इवैन क्विन को उसी ऐप के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उसके पास भी काफ़ी कम टाइम है और कॉर्टनी भी इसी ऐप के ज़रिए मर गई थी। जितनी लाइफ स्पैन उसकी बची थी उसी टाइम में वो मर चुकी थी। वो कहता है कि सर्जरी के दौरान ही वो मर जाएगा इसलिए वो सर्जरी नहीं कराना चाहता। क्विन इवैन को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और क्विन के कुछ कोवर्कर्स भी इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं और उनकी भी काफ़ी लाइफ स्पैन बची हुई थी। तभी हमें हॉस्पिटल में एक लेडी को दिखाया जाता है जिसने शायद कोई ड्रग ले लिया था और वो मर चुकी थी, लेकिन हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसे कोई सिरिंज लगाकर फिर से ज़िंदा कर दिया था। इसके बारे में हमें एंड में पता चलेगा कि इसका इस मूवी से क्या रिलेशन है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्विन के पास भी सिर्फ 3 घंटे बचे हुए थे उस काउंटडाउन ऐप के अकॉर्डिंग और इवैन अपनी सर्जरी ना कराकर वहाँ से भागने लगता है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि उसने एग्रीमेंट तोड़ दिया है और तभी कॉर्टनी डीमन बन के आती है और उस पर अटैक कर देती है, उसे नीचे फेंक कर मार डालती है। अब क्विन अपने घर जाती है और देखती है कि उसकी छोटी बहन जॉर्डन एक क्लोजेट में एक लड़के के साथ बंद है। क्विन और जॉर्डन की बिल्कुल भी बनती नहीं थी। तभी उनके फादर कहते हैं कि उनकी माँ की ग्रेव पर फ्लावर्स चढ़ाने जाना है। इस बात से जॉर्डन काफ़ी खुश होती है। जब क्विन को पता चलता है कि इवैन मर चुका है वो हॉस्पिटल जाकर इवैन की डेड बॉडी को चेक करती है और जब उसका फ़ोन देखती है तो उसमें 0 टाइमर था। वो बिल्कुल उसी टाइम पर मरा था जब उसमें 0 टाइमर हो चुका था। उसे रूम में कोई ब्लैक फिगर भी दिखाई देता है। तभी डॉक्टर सेल्विन किसी पेशेंट की हेल्प करने के बहाने क्विन को बुलाते हैं और उसे हैरेस करते हैं। क्विन ये सब हेड नर्स को बताना चाहती थी लेकिन डॉक्टर सेल्विन हेड नर्स को अपने साथ रखते हैं और वो ये सब उन्हें नहीं बता पाती। तभी क्विन अपने फादर को फ़ोन करती है और उनसे कह देती है कि वो ग्रेवयार्ड नहीं जा पाएगी। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूज़र एग्रीमेंट तोड़ दिया है और वो काफ़ी रिसर्च करती है इस ऐप के बारे में। उसे पता चलता है कि बहुत सारे लोगों ने इसे इंस्टॉल किया है और वो एक वीडियो भी देखती है जिसमें एक लड़की इस ऐप के बारे में बता रही होती है और इसी दौरान उसकी मौत भी हो जाती है। जब वो इसमें कमेंट्स पढ़ती है तो लोगों ने इसमें फेक लिखा हुआ होता है तो वो थोड़ी रिलैक्स भी हो जाती है। तभी क्विन पर इवैन का डीमन अटैक करता है और वो काफ़ी डर जाती है। वो अपना फ़ोन भी तोड़ देती है लेकिन फिर भी उस फ़ोन में टाइमर चल रहा था। वो डर के मारे अपार्टमेंट से बाहर निकलकर कार में ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉर्डन आकर उसे उठाती है और इस ऐप के बारे में क्विन जॉर्डन को बताती है और उन दोनों में लड़ाई भी हो जाती है क्योंकि एक दिन के लिए जॉर्डन क्विन के साथ रहना चाहती थी क्योंकि उसकी बेबी सिटिंग के लिए एक ओल्ड लेडी आने वाली थी जिनके साथ वो नहीं रहना चाहती थी, लेकिन क्विन बहुत डरी हुई थी और वो उसे अपने साथ रखने से मना कर देती है। जॉर्डन 2 बातें क्विन को कहकर जाती है क्योंकि वो भी गुस्से में थी। वो कहती है कि वो इस ऐप को इंस्टॉल करेगी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी इंटीमेट होगी। तभी हम देखते हैं कि क्विन एक नया फ़ोन लेने के लिए जाती है। जब वो एक नया फ़ोन खरीदती है तो उसमें ऑटोमेटिकली वो ऐप भी इंस्टॉल हो
जाता है और कार में क्विन पर एक डीमन भी अटैक करता है और डर के मारे उससे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर वो मैट से मिलती है और मैट के फ़ोन में भी ये ऐप इंस्टॉल था और उसके पास भी काफ़ी कम टाइम बचा हुआ था। मैट और क्विन एक बार में जाते हैं और एक आदमी के फ़ोन में ये काउंटडाउन नाम की ऐप इंस्टॉल करते हैं एग्रीमेंट रीड करने के लिए। यहाँ पर हम लोग नोटिस करते हैं कि सबका मरना डिसाइडेड था कि वो कहाँ मरने वाले हैं और कब मरने वाले हैं। अगर वो उस जगह नहीं जाते तभी फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि यूज़र एग्रीमेंट टूट चुका है और तब भी वो लोग मार दिए जाते हैं। जैसे कि कॉर्टनी कार में ना जाकर पैदल अपने घर तक गई थी और क्विन ग्रेवयार्ड नहीं गई और मैट को भी एक राइड करनी थी जो उसने नहीं की। क्विन जब हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर सेल्वन ने उस पर ही सारा इल्ज़ाम डाल दिया है और वो सस्पेंड हो चुकी है। मैट वॉशरूम गया हुआ था जहाँ पर उसके छोटे भाई का डीमन उस पर अटैक करता है पर वो किसी तरह से बच जाता है। अब क्विन और मैट फादर जॉन के पास जाते हैं जहाँ पर जॉन उन्हें बताते हैं कि कोड की मदद से वो दोनों बच सकते हैं। डीमंस का नाम सुनकर फादर जॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और बताते हैं कि एंशियंट टाइम बाइबल वर्जन में फोकलोर के बारे में बताते हैं। वो एक प्रिंस के बारे में बताते हैं जिनके फादर बीमार थे और वो लड़ाई में नहीं जा सकते थे, तो वो प्रिंस को कहते हैं लड़ाई में जाने के लिए। लेकिन लड़ाई से पहले वो एक जिप्सी वुमेन के पास जाता है अपनी फेट जानने के लिए। वो वुमेन उसे एक स्क्रॉल दिखाती है और कहती है कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन इसे वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं कर सकता। जैसे ही वो प्रिंस उसे ओपन करता है उस स्क्रॉल में उसके मरने का टाइम लिखा हुआ होता है, जिससे वो जान जाता है कि इसी लड़ाई के दौरान वो मर जाएगा। लेकिन वो उस वुमेन की चेतावनी को ना मानते हुए अपने भाई को लड़ाई में भेज देता है और खुद घर में ही छुप जाता है, लेकिन उसका भाई नहीं मरता और जीत कर वापस आता है। और तभी प्रिंस उसी औरत के पास जाता है और कहता है कि उसकी मौत आ रही है। तभी वो औरत कहती है कि अब डीमन ओजिन तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेगा और हम देखते हैं कि प्रिंस की सेम उसी टाइम पर मौत हो जाती है जैसा कि उस स्क्रॉल में लिखा हुआ था, जैसा कि इस ऐप में भी होता है। ये ऐप भी उसी फोकलोर मॉडर्न वर्जन है लेकिन कहाँ से आया ये किसी को भी नहीं पता। अब हम देखते हैं कि क्विन उसी शॉप में जाती है जहाँ से उसने फ़ोन लिया था। वो डेरेक से कहती है कि इस ऐप को हैक कर लो, लेकिन डेरेक अपनी टिंडर डेट पे जाने वाला था इसलिए मना कर देता है। तभी क्विन उसे $2,300 के लिमिट का क्रेडिट कार्ड देने की बात करती है और वो लालच में आकर मान जाता है इस ऐप को हैक करने के लिए। वो देखता है कि ये ऐप 60 GB से भी ज़्यादा का है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और उसका कोड क्रैक कर लेता है, लेकिन उसमें लैटिन में कुछ लिखा हुआ था जिसकी ये दोनों पिक ले लेते हैं। हम देखते हैं कि सारे यूज़र्स का लाइफ स्पैन उसमें दिखा रहा था, जॉर्डन का भी, मतलब जॉर्डन ने भी ये ऐप इंस्टॉल कर लिया था। तभी वो लोग इस ऐप का कोड चेंज कर देते हैं और सबकी लाइफ स्पैन को बढ़ा देते हैं। लेटर नाइट हम देखते हैं कि मैट और क्विन साथ में ही थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। क्विन कहती है कि उसकी माँ उसे ढूंढते हुए मरी थी उसके ड्रंक ड्राइवर की वजह से। मैट कहता है कि उसका भाई काफ़ी बीमार था और मैट ने उसका फेवरेट टॉय चुरा लिया था जिसका आज भी उसे गिल्ट है। क्विन मिडनाइट में नोटिस करती है कि मैट उसे कडल करके सो रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैट बाहर से अंदर आता है, मतलब क्विन के साथ जो था वो मैट नहीं था, वो असल में डीमन था और वो उस पर अटैक कर देता है। तभी क्विन और मैट देखते हैं कि उनके फ़ोन में काउंटडाउन का टाइम रीसेट हो चुका है, मतलब कि वही टाइम जो पहले था और उनकी मौत नज़दीक आ रही थी। वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं। तभी क्विन को रियलाइज़ होता है कि जॉर्डन की जान को भी खतरा है और घर पर हम देखते हैं कि जॉर्डन की माँ जैसा डीमन उस पर अटैक करता है। और तभी वो तीनों फादर जॉन के पास पहुँच जाते हैं और उन्हें वही लैटिन में जो कोड लिखा हुआ था वो दिखाते हैं। फादर जॉन कहते हैं कि असल में ये एक कर्स है जिसे तोड़ा जा सकता है। इस टाइमर से पहले अगर कोई मर जाए या फिर इस टाइमर को हरा दे तो ये कर्स टूट जाएगा और वो लोग इससे बच जाएंगे। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं टाइमर को बीट करने का। वो तीनों मिलकर फादर जॉन के साथ एक प्रोटेक्टिंग सर्कल बनाते हैं सॉल्ट से डीमन के अटैक से बचने के लिए, ताकि वो उस टाइमर को बीट कर सकें। तभी हम देखते हैं कि मैट का भाई जो कि एक डीमन था
असल में वो उन्हें दिखता है और मैट एक पैर अपना उस सर्कल से बाहर निकाल देता है। वो डीमन मैट को खींचकर बाहर ले जाता है और इसी वजह से क्विन और जॉर्डन भी घायल हो जाते हैं। क्विन जाती है मैट को बचाने के लिए, तभी वो देखती है कि मैट बिल्कुल सही सलामत खड़ा है, लेकिन एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है और वो वहीं पर मर जाता है। क्विन जॉर्डन को हॉस्पिटल ले जाती है और उसे वहाँ पर पता चलता है कि और भी कई सारी नर्सेस को डॉक्टर सेल्वन हैरेस करता था। वो डिसाइड करती है कि डॉक्टर सेल्वन को मार कर उसके 57 ईयर्स को ले लेगी। तभी वो डॉक्टर सेल्वन को क्लोज्ड ऑफ बिन्स में बुलाती है सेक्सुअल फेवर्स के लिए और वहाँ पर डॉक्टर सेल्वन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ओजिन डीमन आकर डॉक्टर को बचा लेता है क्योंकि अभी उसका मरने का टाइम नहीं हुआ था। डीमन ओजिन ने जॉर्डन को भी ढूंढ लिया था और डॉक्टर सेल्वन को भी क्विन से मरने से बचा लिया था। ओजिन जॉर्डन को मारने जा ही रहा होता है तभी क्विन उसे ब्लैकमेल करती है कि वो अपने आप को मार देगी ये ड्रग्स लेकर। तभी ओजिन माँ के रूप में आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन क्विन को पता था कि ये एक डीमन है और वो ड्रग्स को इंजेक्ट कर लेती है और बेहोश हो जाती है। उस मोमेंट के लिए वो वहाँ पर मर जाती है। तभी हम देखते हैं कि डीमन भी गायब हो चुका था और जॉर्डन रो रही थी। तभी वो देखती है कि क्विन के आर्म में नार्कन लिखा हुआ है और वो एक सिरिंज को उसी जगह पर इंजेक्ट करती है जिससे कि क्विन वापस ज़िंदा हो जाती है और टाइमर्स भी रुक चुके थे, मतलब कर्स फॉर द टाइम बीइंग हट चुका था। और अगर आपको याद हो कि मूवी की स्टार्टिंग में एक लेडी दिखाई गई थी जो कि ड्रग्स की वजह से मर चुकी थी और एक सिरिंज लगाने से ज़िंदा हो चुकी थी, यहाँ भी सेम ऐसा ही हुआ था। क्विन अब जॉर्डन और अपने पिता के साथ अपनी माँ की ग्रेवयार्ड पर जाती है और जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि डॉक्टर सेल्वन को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि काफ़ी सारी नर्सेज ने आगे आकर हैरेसमेंट के ख़िलाफ़ उसकी कंप्लेंट निकाली थी। तभी क्विन के फ़ोन में एक और नोटिफिकेशन आता है कि काउंटडाउन 2.0 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है, मतलब कि डीमन भी अब अपडेट हो चुका था। अब हमें मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि डेरेक अपनी टिंडर डेट पर बैठा हुआ था, जहाँ पर उसकी डेट जैसे ही वॉशरूम में जाती है तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूज़र एग्रीमेंट तोड़ दिया है इस ऐप को हैक करके। तभी रेस्टोरेंट की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एक डीमन आकर उसे मार देता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी में कंसेप्ट काफ़ी नया था और मूवी भी काफ़ी अच्छी थी। क्विन ने एंड तक कोशिश की इस कर्स को तोड़ने की और जिस तरह से इस मूवी में काउंटडाउन 2.0 वर्जन अपडेट करता हुआ दिखाया वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था और उसके बारे में जानना भी काफ़ी अच्छा होगा। अकॉर्डिंग टू मी आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की हर अपडेट्स आपके पास सबसे पहले आए। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।